आबकारी एक्ट के मामले में गिरफ्तार मोतीपुरा निवासी रवि गजानन पाल की जिला जेल में तबीयत बिगड़ने पर उपचार के दौरान हुई मौत के मामले में गुरुवार को नया मोड़ आ गया है। रवि की गिरफ्तारी के पहले का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर परिजनों सहित समाज में आक्रोश देखने को मिला है। मृतक रवि के पिता सहित समाज जन एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां आबकारी पुलिस द्वारा रवि की गिरफ्तारी के दौरान की गई मारपीट का वीडियो फुटेज सौंपते हुए दो लोगों की नामजद शिकायत कर दंडात्मक कार्यवाही की मांग की है। एसपी से मुलाकात कर मृतक के पिता गजानन ने बताया कि रवि को 26 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे ऋषि भाटिया द्वारा फोन कर मारू मोहल्ले के रास्ते से घाटी की ओर बुलाया गया। जब रवि मौके पर पहुंचा तो उसके साथ शराब ठेकेदार के दो गुंडे ऋषि और देवराज के नाम के व्यक्तियों ने मारपीट की। लोगों की भीड़ जुटने पर रवि को बाइक पर बिठा कर बलपूर्वक ले गए। आबकारी विभाग में ले जाकर आबकारी निरीक्षक सचिन भास्कर ने कार्यालय में तीनों ने मिलकर मारपीट की, जिसके बाद कार्यालय में रखी शराब की पेटियां रवि की बाइक पर रखकर फोटो खिंचवाए। पाल ने आरोप लगाया कि यह समस्त घटनाक्रम द्वेषवश घटित हुआ है और रवि को झूठे खेस में फंसा कर जेल भेजा गया। मारपीट का घटनाक्रम मारू मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पाल सहित समाजजनों ने आरोप लगाया है कि मारपीट में गंभीर चोटें आने से रवि की मौत हुई है। फुटेज के आधार पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। एसपी ने मृतक के पिता सहित समाजजनों को भरोसा दिया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही कर रहे हैं। परिवार और समाज भी संयम बरते, किसी के भी दबाव में कार्यवाही नहीं रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ज्ञापन भी सौंपा एसपी साहब से, बात भी हुई, आपकी फुटेज भी कुछ दिया क्या मामला? मेरे बच्चे का एडवांस मिला है, मैंने वीडियो दिया है एसपी साहब को और उन्होंने किया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इसके लिए हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। क्या दिख रहा है वीडियो फुटेज आपने यहाँ पे सोचा, क्या दिख रहा है? ये जो बच्चे को उठाया है वो वीडियो आ गया है और वो चार पांच आदमी जो मार रहे हैं वो भी आ गया है उसमें, और जो अन्य कैमरे हैं वो भी एसपी साहब दिखवा रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे सख्त सख्त। तो मतलब बच्चे को क्या उठा के लेके मारपीट की है? हाँ, बच्चे को उठा के मारपीट की है, उसको बीच में बिठा के फिर अन्य जगह ले गए हैं, आबकारी विभाग ले गए हैं, फिर इन्होंने दोनों ने मिल के मारा है, आबकारी विभाग और कुछ गुंडे थे, वो पहले गुंडे उठा के ले गए और आबकारी विभाग और ठेकेदार की मिली भगत से उन्होंने उसको मारा है। फुटेज भी बोल रहे हैं देने की, क्या मामला? देखिए, रवि पाल जिनकी मृत्यु हुई है वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में थे और 30 तारीख को जेल में निरुद्ध रहते हुए भी उनकी ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु हुई है। इस संबंध में जैसा आपके संज्ञान में पहले से ही न्यायिक जांच के आदेश हो गए हैं। अभी समाज के कुछ लोग परिजन आए थे, उनके द्वारा ये कहा गया है कि एक्साइज की जो कार्रवाई हुई थी उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज उनके पास मिले हैं, ये एविडेंस उन्होंने दिया गया है, इसको भी हम लोग जांच पर लेंगे और न्यायिक जाँच भी मुझे लगता है जल्दी पूर्ण होगी। इसमें जो भी एविडेंस है, जो भी साक्ष्य परिजनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, सारा इंक्वायरी का पार्ट बनेगा। इसके आधार पर फाइनली जो भी इसमें दोषी होंगे या जिनका भी आपराधिक तथ्य होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।